नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी हल्दी से रिलेटेड कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। वैसे तो हमने अपने ही चैनल पे आप सभी को बहुत बार बताया है कि हल्दी खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आप किन किन बीमारियों को हल्दी के द्वारा दूर कर सकते हैं। उन बीमारियों में आप अगर हल्दी का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो चल जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल दिनों में हल्दी का कभी भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ एक ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिस कंडीशन में या फिर जिस बीमारी में अगर आप हैं तो आपको हल्दी का प्रयोग कम कर देना चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। वैसे तो हम आपको बताए ही हैं कि हल्दी कितना गुणकारी है, लेकिन आइए आज हम जानते हैं कि कब कब हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए या फिर किन बीमारियों में बंद कर देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आयरन की कमी हो तो उसे हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं आप, आयरन की कमी होगी तो शरीर में ब्लड सही से नहीं बनेगा और हल्दी जो है ब्लड को प्योरीफाइड करने के साथ साथ थक्का बनने से भी रोकता है, यानी कि आपके शरीर में ब्लड ज़्यादा बन नहीं पाएगा, क्योंकि हल्दी शरीर में से आयरन को धीरे धीरे कम करता है और आयरन कम होगा तो शरीर में ब्लड बन नहीं पाएगा, इससे व्यक्ति एनीमिक बन जाता है। मासिक धर्म के समय में महिलाओं को हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से रक्त स्त्राव ज़्यादा आता है। हल्दी के सेवन से ब्लड पतला हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में पथरी हो या फिर पेट की नली में रुकावट हो तो हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी के सेवन से पथरी का दर्द बढ़ जाता है और हल्दी हमें भोजन में भी उचित मात्रा में ही प्रयोग करनी चाहिए, कभी भी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर हम स्वस्थ हैं तो भी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो जब तक शिशु ना हो जाए तब तक हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी बहुत ही गर्म होती है, इसलिए हल्दी के सेवन से गर्भ के गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए गर्भवती औरतों को, क्योंकि हल्दी गर्म तासीर की है। अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब हो तो उसे भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पेट को और ज़्यादा खराब कर देगा। हल्दी का ज़्यादा प्रयोग अगर पुरुष करते हैं तो उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे उनके पापा बनने की संभावनाएं भी कम ही हो जाती हैं, इसीलिए उनको पुरुषों को भी ज़्यादा मात्रा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी का ज़्यादा सेवन करने पर ब्लड में शुगर यानी कि ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ये मधुमेह रोगियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल इंसान हैं तो आपके शरीर में जो ये कमी आएगी वो नई बीमारी को जन्म दे सकती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग आपको ऑलवेज संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर हल्दी का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्हें कम कर लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर आप हल्दी का सेवन करेंगे तो कमज़ोरी आ सकती है आपको, क्योंकि शरीर में आयरन की मात्रा कम होगी, फिर धीरे धीरे ब्लड बनना कम होगा और पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि हल्दी में क्यूनन नामक रसायन होता है जो शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कम कर देता है। अगर किसी की सर्जरी होनी हो तो उसे भी हल्दी का प्रयोग 7 से 8 दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद काफ़ी ब्लड निकलता है, इसीलिए सर्जरी के बाद भी कुछ एक दिनों तक कोशिश करें कि बहुत कम हल्दी का सेवन करें, क्योंकि हल्दी शरीर में ब्लड के थक्का बनने को रोकता है, यानी कि आपको कोई घाव हुआ हो तो उसे जल्दी भरने नहीं देगा, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड को ये पतला कर देता है, तो रक्त में थक्का बनना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो हमने बताया ही है कि हल्दी बेहद गुणकारी है, जैसे कि आप फेस पर लगाते हैं ये तो आपकी स्किन को फेयर बनाता है, इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक की तरह भी कार्य करता है, लेकिन इसका प्रयोग आपको समुचित मात्रा में करना है, ख़ास करके अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो भी आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कुछ एक ये ऐसी बीमारियां थीं जिनमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नॉर्मल दिनों में अगर आप स्वस्थ हैं तो उचित मात्रा में करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।